नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 का आयोजन कब होगा, इसके संदर्भ में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के मुख्य सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने विभिन्न समाचार पत्रों में आर्टिकल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी है। तो दोस्तों, यदि आप भी यूपी टेट 2019 की परीक्षा का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के मुख्य सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने यह बताया कि यूपी टेट 2019 के लिए के आयोजन के लिए तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही हैं और विभिन्न परीक्षा केंद्रों को लेकर के इस बार सजगता दिखाई जा रही है और अच्छे केंद्रों को ही यूपी टेट 2019 के लिए परीक्षा का केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा यूपी टेट 2018 के ऑनलाइन आवेदन में बहुत सारी समस्याएं आई थी, क्योंकि बीएड को मान्यता देने के बाद से कैंडिडेट्स की बहुत भारी संख्या उमड़ आई थी। इसी को देखते हुए भी यूपी टेट 2019 के लिए जो वेबसाइट तैयार की जाएगी उनमें इन सभी खामियों को दूर किया जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग वेबसाइट बनाया जाएगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग सर्वर का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि यूपी टेट 2019 का आयोजन कब होगा। तो अक्टूबर माह में यूपी टेट 2019 होना प्रस्तावित है। दोस्तों, इसी के संदर्भ में पेपर में एक आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यदि आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करते हुए पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।